सब ठीक है, नीचे आ जाओ। ठीक है, अपन अभी आता है। शर्मा साहब, वो लैंड कर रहा है, मैं खींच सकता हूँ। ओके, आइए। विक्रम, आखिर आज तुम्हें प्लेन और माल के साथ पकड़ ही लिया ना? हाँ ठीक है, पकड़ लिया तो क्या हुआ, फांसी पे तो नहीं लटकाएगा ना आप उनको? वो तो कोर्ट में ही देख लोगे। अरे कोर्ट में लेके जाएगा, लेकिन तू इतना जानता नहीं बिड़ू। अपना एक दोस्त है अमित, जिसका नाम है, बहुत बड़ा वकील है इधर का, वो अपने को ऐसा निकाल लेगा ना जैसे मक्खन में से बाल, समझा क्या? माफी चाहता हूँ योर ऑनर, मेरी वजह से अदालत को इंतजार करना पड़ा, लेकिन मजबूरी थी। आ गया सर, अपन बोला था ना अपना बिड़ो आएगा। वाइट प्लीज, मगर ये सब क्या है? कुछ सबूत हैं योर ऑनर, और ऐसे ही बहुत से सबूत इस अदालत के बाहर गवाही देने के लिए खड़े हुए हैं। इस बच्चे को देख रहे हैं आप? इसकी उम्र 10 साल है योर ऑनर, और मैं इसे अभी अभी एक गली से उठाकर ला रहा हूं। ये बच्चा इतनी सी उम्र में सिगरेट पीता है, वो भी चरस भरी हुई। ये बच्चा अपनी चाय के साथ अफीम की गोली निगल जाता है, और ये जवान लड़का जब तक थोड़ी सी कोकेन न चाट ले तब तक इसका शरीर इस तरह कांपता है जैसे इसे मलेरिया की बीमारी हो। आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं साबित ये करना चाह रहा हूं योर ऑनर कि ये तमाम बच्चे जब इन्हें नशे की गोलियां नहीं मिलेंगी तो ये चोरी करेंगे, खून करेंगे, डाका डालेंगे। मतलब ये कि आने वाले चंद सालों में ये मुल्क एक मुजरिमों का अड्डा बनकर रह जाएगा। कुछ ऐसे लोगों की मेहरबानी की वजह से जो सिर्फ अपना फायदा देखते हुए इन बच्चों को बुरी आदतें अपनाने पे मजबूर कर रहे हैं इन्हें नष्ट करने के। कौन है वो लोग? बहुत से लोग हैं योर ऑनर, फिलहाल उनका लीडर मेरा दोस्त विक्रम है जो इस वक्त मेरे सामने कटहरे में खड़ा हुआ है। क्या बकवास कर रहा है तू? तू या मेरा केस लड़ने को आया, मेरे को फंसाने को आया? मैं तुम्हें फंसाने नहीं आया हूं मेरे दोस्त, गुनाह के तुम फंस गए उसमें से निकलने आया हूं। ये मिली भगत है जज साहब, ये अपना वकील है ना, ये पुलिस के साथ मिल गया है, नाम कमाने के वास्ते इसने अपने को फंसाने का चाल चले ला है। कौन सी चाल चली है मैंने? इस बच्चे को चरस की आदत मैंने दी है, इसे अफीम और कोकेन का शिकार क्या मैंने बनाया है? और ऐसे ही जो 500 बच्चे बाहर खड़े हुए हैं उनकी जिंदगी क्या मैंने बर्बाद की है? योर ऑनर, हर बाप अपने बेटे से यही उम्मीद करता है कि एक दिन वो बड़ा होकर बुढ़ापे में उसका सहारा बने। कम से कम हमारे समाज ने तो हमें यही सिखाया है। हमारा मुल्क अपनी नई पीढ़ी से यह उम्मीद रखता है कि जब वो जवान हो तो देश की जिम्मेदारी, लेकिन जब तक ऐसे लोग मौजूद जो इस नई पीढ़ी को चरस, गांजा और कोकेन की आग में झोंक रहे हैं।